से आप लोग के बीच में मैं आया हूँ। आज मैं कैरी बैग बनाने के तरीका मैं बताता हूँ, जो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको देखें, गौर से देखें, और आप घर को सजा सकते हैं या मार्केट से कुछ सामान खरीद के भी ला सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप गौर से देखिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले पेज लेना है या ड्राइंग शीट लेना है, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको पेज ले सकते हैं। और इसको फोल्ड करने का तरीका है, आप आसानी से बना सकते हैं। गौर से ध्यान दें आप, इस प्रकार सिंपल तरीके से आप इसको पेज को मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद पुनः दोबारा जो है इस प्रकार से मोड़ेंगे, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मोड़ेंगे क्योंकि चिपकाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। इस प्रकार से मोड़ दिए, फिर इसको ओपन करके ये जो लाइन जो दिख रहा है इस लाइन में सीधा देख करके मोड़ देंगे। मोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि इसमें ये अंदर का भाग रहेगा, इसमें क्या करना है आपको फेविकोल लगा देना है। इस प्रकार से आप फेविकोल लगा सकते हैं जो आपके पास होगा। लगाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हाथ में फेविकोल को लगाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर जो है इसको इस प्रकार से करना है और इसको ऊपर से इस तरह से दबा देना है, सिंपल तरीके से दबा दिए। दबा देने के बाद क्या करना है आपको, पेपर को आराम से इसको पकड़ें और इस प्रकार से सीधा रखे पेज को, आप इतना मार्जिन छोड़ते हुए आप इस प्रकार से इसको पेज को मोड़ दें। हमने मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद क्या करना है, आप इसको इस प्रकार से, ये ओपन हो रहा है, इसको इस प्रकार से यहाँ अंगुली रखें और इसको आप क्या करना है, यहाँ इस प्रकार से आपको दबाना है। दबा दिए, फिर सेम उसी प्रकार से आप यहाँ इस प्रकार से अंगुली रखें और इस प्रकार से आपको दबा देना है। दबा देने के बाद क्या करना है, आपको इस प्रकार से यहाँ ये जो है मुड़ना है, इस प्रकार से ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आप मोड़ लें। मोड़ने के बाद आप थोड़ा सा इस प्रकार से आप मोड़ दें, फिर पुनः इस तरह से आप मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद क्या करना है आपको, मोड़ने के बाद ये जो खुला इसमें आप फेविकोल लगा दें। इस प्रकार से मैंने फेविकोल चारों तरफ से डाल दिए हैं, अब इसको सिंपल तरीके से दबा देना है और फिर इधर से आपको दबा देना है। उसके बाद पेज को पुनः पलटें और आप इस प्रकार से मोड़ सकते हैं, इस प्रकार से मोड़ दें जो है मार्जिन दिख रहा है आपको। आप इसको क्या करना है, आप कैंची के सहारे इसको क्या करना है आपको, यहाँ से काट के हम निकाल देंगे। कैरी बैग बना रहे हैं, इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको खोलें आप इस तरह से। इस तरह से इसको क्या करना है आपको, यहाँ इस प्रकार से मोड़ देना है, फिर इधर से जो ये कॉर्नर दिख रहा है वहाँ हम मोड़ देंगे। इस प्रकार से मोड़ दिए, मोड़ देने के बाद इसको आप क्या करें, खोलें इसको इस प्रकार से खोलेंगे।
अब इसको थोड़ा सा कर लिए। अब इसको अंदर डालना है आपको, जो मोड़ दिए हैं। इस प्रकार से पूरा अंदर डाल दिए हैं। अब क्या करना है, इसको इस प्रकार से दो पेपर लेना है इस प्रकार से, और इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देना है। जितना आपका बैग का वेट रहेगा उसके हिसाब से आपको मोड़ना है। आप इसका जो है आप धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से मोड़ दिए। अब क्या करना है, हल्का हल्का इसको छोटा सा बना रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फेविकोल का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा इसमें मोड़ लेंगे, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, बराबर हो जाने के बाद यहाँ आप फेविकोल डाल दें इधर भी और इधर भी डाल दें। उसके बाद कैरी बैग लेना है, इसमें आप इस प्रकार से यहाँ चिपका दें। इस प्रकार से हम इसको चिपका दिए हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए एक और एक तरीका अपनाते हैं। इस प्रकार से आप पेज लें, आप इसको आराम से इसको मोड़ें। मोड़ने के बाद दोबारा मोड़ें। मोड़ने के बाद क्या करना है आपको, पेंसिल के सहारे इसमें बटरफ्लाई बनाना है। अब इसको कैंची के सहारे अब इसको काट दें। आराम से काटें। इस तरह से काट दिए। अब इसको क्या करना है आपको, हल्का सा फेविकोल डाल दीजिए और इसको क्या करना है, यहाँ आप लगा दिए इस तरह से। फिर इधर से हम इसको लगा देंगे। तो इस तरह से लगा दिए हमने। इस तरह से आपका कैरी बैग बन करके तैयार हो गया है। आप इसको बना सकते हैं, बड़ा साइज भी बना सकते हैं। ये छोटा सा बना हुआ है, घर में बना करके रख सकते हैं। और आप जो है इसमें बना करके क्या कर सकते हैं कि आप मार्केट में जा सकते हैं, कुछ जो कुछ भी सामान ला सकते हैं। मजबूत थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। बाय।